इरफान की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो कूड़ेदान का डिब्बा लेकर घूम रहे हैं और थोड़े हैरान परेशान से नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी का क्या कारण है, इसका जवाब निर्देशक अभिनव देने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल इरफान जल्द ही अभिनव देव के साथ अपनी अगली फिल्म करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम ब्लैकमेल है और ये 6 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर जारी किया गया है जिसमें एक आदमी अपने चेहरे को छिपाए सड़क पर बेतहाशा भाग रहा है। उसे भीड़ दौड़ा रही है और उसने सिर्फ कच्छा पहना हुआ है। अब ये इरफान ही है या कोई और, इसका भेद फिल्म के ट्रेलर में ही खुल पाएगा। अभिनव देव की ये फिल्म कॉमेडी फिल्म होगी। फिल्म में इरफान के साथ कीर्ति कुल्हारी भी नजर आएंगी, जिन्होंने पिछले दिनों आई मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार में काम किया था। साथ में अरुणोदय सिंह, दिव्या दत्ता और ओमी वैद्य भी होंगे। फिल्म की कहानी के बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। बता दें कि पिछले साल इरफान की फिल्म करीब करीब सिंगल रिलीज हुई थी जिसकी कहानी लोगों को पसंद आई थी। इरफान जल्द ही दीपिका पादुकोण के साथ विशाल भारद्वाज के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म में भी काम करेंगे, जिसका निर्देशन हनी त्रेहन कर रहे हैं। दीपिका और इरफान पहले पीकू में काम कर चुके हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।